गुड इवनिंग सभी लोगों को। और आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पढ़ेंगे, तो सब लोग जुड़ जाइए, धीरे धीरे सारे लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी 21 प्रश्नों को एक्सप्लेन किया जाएगा और इस 21 प्रश्नों के सहारे हम लोग खत्म करेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यानी कि आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है ब्रिटिश शासनकाल की स्थापना के साथ, तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, क्षेत्रीय शक्तियों को दबाया, क्षेत्रीय शक्तियों को का खात्मा किया और उसके बाद वे स्थापित हुए। तो क्षेत्रीय शक्तियों का पतन हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों के पतन के बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, तो ब्रिटिश शासन की जो स्थापना हुई बंगाल में प्लासी युद्ध के बाद हुई, तो बंगाल एक शक्ति थी, क्षेत्रीय शक्ति थी। तो आज का जो टॉपिक है क्षेत्रीय शक्तियों का पतन है, तो फटाफट सारे लोग जुड़ जाइए ताकि क्वेश्चन से शुरुआत होगी। सारे लोग जो भी हैं लाइव हैं, शिखा सिंह, निकिता कुमारी, चंदा कुमारी, संजना कुमारी, पूजा कुमारी, अनिल कुमार, रिंकी कुमारी, सरोज कुमारी, मेघनाथ सिंह, संजना कुमारी, निकिता सिंह, जितने लोग हैं सब लोग जुड़ते चले जाइए जल्दी जल्दी फटाफट। आज हम लोग 21 क्वेश्चन करेंगे, जो 21 क्वेश्चन वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इस 21 क्वेश्चन के जरिए आप क्या करेंगे कि मॉडर्न इंडिया। और मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं जो मॉडर्न इंडिया की क्लास ले रहा हूं, तो ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है। जिनको भी 67वीं बीपीएससी देनी है तो उनके लिए यह रामबाण सिद्ध होगा। और आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं, मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में, सारे एग्जामिनेशंस में मॉडर्न इंडिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि मॉडर्न इंडिया को पूरी तरह से खत्म किया जाए, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आप बनाने में समर्थ हों और एग्जाम के होने से पहले सारा क्लास जो है आपकी खत्म हो जानी चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है। हाँ, करेंट अफेयर्स इसके बाद होगी, करेंट अफेयर्स की क्लास इसके बाद होगी। और अभी फटाफट में हम लोग कर रहे हैं, तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उससे आगे बढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो उत्तरकालीन मुगल पढ़ा था। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले, ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले मुगलों का पतन होता है और यही ब्रिटिश शासन की स्थापना, मुगलों का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, तो ये जो तीन घटनाएं हैं, ये तीन घटनाएं अपने आप में आधुनिक भारत की शुरुआत है। तो आधुनिक भारत की शुरुआत, इसमें इसके अंतर्गत आज जो सेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं वह है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, वह है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। तो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय के अंतर्गत पढ़ेंगे रीजनल राइज ऑफ रीजनल पावर्स के अंतर्गत। जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न पर सबसे पहले चलते हैं और प्रश्न से ही आपको पता चलेगा कि आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर मुगल कालीन क्षेत्रीय शक्तियों में शामिल नहीं थी, लेटर मुगल। तो मुगलों का पतन हुआ और मुगलों के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, तो जब अंग्रेज भारत आए थे तो पहले तो वो यूरोपीय व्यापारियों के साथ आए थे, तो यूरोपीय व्यापारियों के साथ आए थे, तो यूरोपियों के साथ उनका संघर्ष था। उसके बाद यहाँ मुगल खत्म हो रहे थे और जब मुगल खत्म हो रहे थे यहाँ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन क्षेत्रीय शक्तियों से लड़ाई की। क्योंकि आपने देखा था जिसमें मराठा पावरफुल थे, जिसमें तो मराठों का उदय जब हुआ था तो मुगल कमजोर हो गए थे और अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए मराठा आए थे दक्षिण से। तो ये आप देखेंगे यही बताता है कि अब मुगल पूरे देश की शक्ति नहीं रह गई थी, अब मराठे हैं, सिख हैं, अवध है, बंगाल है, कर्नाटक है, तो ढेर सारी क्षेत्रीय शक्तियां हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर मुगल कालीन क्षेत्रीय शक्तियों में शामिल नहीं थी। तो आप लोगों के जो जवाब आ रहे हैं, ढेर सारे जवाब आ रहे हैं, अंजनी कुमारी डी, शंकर सुमन डी, अखिलेश राज डी, श्वेता डी, डॉक्टर बलराम कुमार डी, मोहम्मद शहजाद डी, परवीन कुमार डी, तो मैक्सिमम आंसर जो आपके आ रहे हैं वो डी आ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि विजयनगर इसमें क्षेत्रीय शक्तियों में शामिल नहीं था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लेटर मुगल रीजनल पावर्स, कर्नाटक, अवध। इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे ना, मैप पे देख लेंगे कि देखिए जब मुगलों का पतन हो रहा है, मुगलों का पतन हो रहा है
तो इस समय क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है। तो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत किसका किसका उदय है, कौन कौन सी पावर है जिसका उदय है, तो आप देखेंगे कि मुगल सत्ता कहां पे है, तो मुगल सत्ता इस एरिया में है, मुगल सत्ता का केंद्र ये एरिया में है, लेकिन ये कमजोर हो रहे हैं, सिमट कर रह जा रहे हैं दिल्ली और आगरा तक। और तब ऐसे में उदय किसका किसका उदय हो रहा है, तो इस समय उदय हो रहा है इधर बंगाल का उदय हो रहा है, बंगाल का उदय हो रहा है, अवध का उदय हो रहा है, मराठा का उदय हो रहा है, मराठा का उदय हो रहा है, हैदराबाद का उदय हो रहा है, हैदराबाद कर्नाटक का उदय हो रहा है, कर्नाटक का उदय हो रहा है, इधर केरल में देखिएगा और केरल से ही यहीं पर देखिएगा मैसूर राज्य का उदय हो रहा है, फिर आप देखेंगे कि इधर जो है सिख राज्य का उदय हो रहा है, जाट का उदय हो रहा है, रुहेलों का उदय हो रहा है, रुहेला, तो आप देखिए क्षेत्र देखिए कि ये सारी क्षेत्रीय शक्तियां जिनका उदय हो रहा है, इस पर थोड़ी चर्चा पहले भी हम लोगों ने कर लिया है। तो साथ ही साथ मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स मैं बता रहा हूं क्वेश्चन के जरिए, आज 21 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर मुगल कालीन क्षेत्रीय शक्तियों में शामिल नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तर मुगल कालीन क्षेत्रीय शक्तियां कौन सी है। मुगल जब कमजोर पड़ रहे हैं तो कौन कौन शक्तिशाली हो रहा है, तो मुगल जब कमजोर हो रहे हैं तो अवध में सआदत खाने, अवध में सआदत खाने मतलब कि सआदत खाने अवध में, मुर्शीद कुली खाने बंगाल में, मुर्शीद कुली खाने बंगाल में, कुली खाने बंगाल में, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में, और आप देखेंगे कि कर्नाटक में सादतुल्ला खाने, सादतुल्ला खाने कर्नाटक में, सादतुल्ला खान, आप देखेंगे कि मैसूर में कौन है, तो मैसूर में हैदर अली, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान। तो इस तरह से अब मराठा राज्य देखेंगे तो शिवाजी के बाद जो पेशवा थे, पेशवाओं का अधीन मराठों ने, यानी कि जाट में देखेंगे तो जाट में चूड़ामन और बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह, बदन सिंह, फिर बंगस पठान जो है, बंगस पठान, बंगस पठानों के अधीन जो दाऊद खां है, तो बंगस पठान के अधीन रुहेला, बंगस पठानों के अधीन रुहेला, सिख के अंतर्गत रंजीत सिंह, रंजीत सिंह, तो इन सब का उदय हो रहा है। यानी कि आप देखेंगे कि इनका पतन करके, इनको दबा करके तब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को क्षेत्रीय शक्तियों का उदय देखना है। तो इसी में एक एक करके अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, इन सब को देखना है। और इसके तहत तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरकालीन क्षेत्रीय शक्तियों में शामिल नहीं है, कर्नाटक है, अवध है, हैदराबाद है, लेकिन विजयनगर नहीं है। याद रखेंगे विजयनगर और बहमनी राज्य पहले था, वो कब था, सल्तनत काल के पतन के क्रम में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का विकास हुआ था, तो विजयनगर यहाँ आंसर नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है स्वतंत्र शक्ति क्षेत्रीय शक्तियों का उदय मुख्य रूप से किसके शासन काल में हुआ, तो द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स इज मेनली कंसीडर्ड ड्यूरिंग हुज रेन, तो ऑप्शन इज फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय। टाइम पीरियड याद रखिएगा, फारूक सियर का टाइम पीरियड है 1713 से 19, मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 1719 से 48, अहमद शाह का टाइम पीरियड है 1748 से 54, और शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड है 1759 टू 1806। आप देखेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, इसको थोड़ा सा देखिए, अब टाइम पीरियड को थोड़ा देखते हैं। अवध में लगभग 1722 का टाइम है, अवध में 1722 का टाइम है, बंगाल में भी लगभग 1719 का टाइम है। आप यहां पर देखेंगे 1719, 1700, कहीं कहीं 1717 भी रहता है, 1717, जिसमें कि मुर्शीद कुली खान ने क्या किया था, दीवान के पद से नवाबी हासिल कर ली थी। कुछ इसी के बाउट में 1722-24 का जो टाइम है, 1724 हैदराबाद, यानी कि ये 1719-20-22 का की अवधि है। तो इस अवधि में कौन है, यहां देखते हैं 1719 से 48 तक मोहम्मद शाह है। इसका आंसर आप लोगों ने सही जवाब दिया, देखिए निकिता कुमारी ए ऑप्शन दिया, और बाकी लोग जो है वो कुछ गलत दे रहे हैं, तो कुछ बी दे रहे हैं, हाँ कैलाश यादव बी,
तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बी सही आंसर होगा मोहम्मद शाह, यानी मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, इट वॉज द राइज ऑफ रीजनल पावर्स एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल, मुगलों का पतन हुआ। पतन के क्रम में हम लोगों ने किया था बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के बाद कई शासक आते जाते हैं, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, नेकुसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह आता है। और मोहम्मद शाह के समय में मुगलों का पतन जो कह सकते हैं क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के रूप में होता है, अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। कहां कहां क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ ये हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है, ये क्षेत्रीय शक्तियां हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और तीसरे क्वेश्चन से फिर आप लोगों का आंसर में देखता हूं कि क्या है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुगलों के पतन के क्रम में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की, फटाफट जवाब दीजिए। जो हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना, हु एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट रूल इन हैदराबाद इन द कोर्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, मुगल्स, पहला है मुर्शीद कुली खां, दूसरा है चीन किलिच खां, तीसरा है सादत खां, चौथा है सादतुल्ला खां। तो अब इसका आंसर बताइए, देखें कि क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए आंसर बी, इंजीनियर उजय बी, और मीनाक्षी बी, सावन कुमार बी, मेघनाथ सिंह बी, संजना कुमार, तो ज्यादातर आंसर बी हो रहे हैं। इसका मतलब कि आप सही आंसर दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, और आंसर हो जाएगा चीन किलिच खां। याद रखना है चीन किलिच खां के बारे में, याद रखना है क्या, याद रखना है कि चीन किलिच खां का ही नाम निजाम उल मुल्क है, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क चीन किलिच खां का ही नाम है। और ये इसी को आसफ जाह की उपाधि मिली थी, आसफ जाह की उपाधि मिली थी। और ये कहां पर, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना अभी तुरंत हम लोगों ने किया, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था, निजामुल मुल्क ने ही। निजामुल मुल्क का ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम क्या था, तो चीन किलिच खां था, चीन किलिच खां। यहां ऑप्शन देखिए, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में, सादत खां ने अवध में, अवध में, और अब सादतुल्ला खां ने कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादतुल्ला खां ने की। यहां याद रखेंगे कि चीन किलिच खां आंसर होगा, चीन किलिच खां का ही नाम निजामुल मुल्क है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, अगला जो सेशन हम लोग का चलेगा वो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर मेरे सेशन में और मजा आएगा। तो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन नेक्स्ट सेशन होगा। तो यहाँ आज हम लोग कर रहे हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, निम्नलिखित में से कौन बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बुरहान उल मुल्क। अभी हम लोगों ने किया था कौन, निजाम उल मुल्क, और यहाँ है बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन में है चीन किलिच खां, सादत खां, सादतुल्ला खां, मुर्शीद कुली खां। क्या जवाब आप लोगों का आ रहा है, तो ज्यादातर लवकुश कुमार भी, सादत खां, कैलाश यादव भी, ठीक है, मेघनाथ सिंह भी, लवकुश भी, चलिए चंदन भारती भी, पायल झा भी, चलिए ज्यादातर आंसर भी आ रहा है। इसका मतलब कि आप सही जवाब दे रहे हैं, इसका आंसर है सादत खां। तो सादत खां को बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, और चीन किलिच खां को निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। तो निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क कौन है, चीन किलिच खां, जिसने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सादत खां को बोलते हैं बुरहान उल मुल्क, और सादत खां ने कहां पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और सादतुल्ला खां ने कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। एकदम रट जाना है, सारा का सारा पॉइंट दिमाग में बैठा लेना है, और ये जान लीजिए कि मॉडर्न इंडिया से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और इसी का प्रयास मैं कर रहा हूं, और इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजों को लेकर आया हूं। चलिए तो देखते हैं कि बुरहान उल मुल्क के नाम से किसको जाना जाता है, सादत खां को। तो थोड़ा सा जान लीजिए, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था, तो सादत खां ने किया था, सादत खां ने किया था, और सादत खां को ही बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। सादत खां के बाद सफदरजंग आता है, सादत खां के बाद सफदरजंग आता है। एक पॉइंट हम लोगों ने किया था, अगर याद होगा तो उत्तरकालीन मुगल में किया था, कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है, 1739 में,
और नादिर शाह को इसी ने आमंत्रित किया था, इसी वजह से इसी ने आत्महत्या कर ली थी। और सादत खान के बाद सफदरजंग नवाब बना था, अवध का नवाब बना था। तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ मुगलों के पतन के बाद। मुगलों के पतन के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सादत खां, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, कर्नाटक में सादतुल्ला खां, मैसूर में हैदर अली, केरल में देखेंगे मार्तंड वर्मा। असल में केरल में चार क्षेत्र हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। मराठा में पेशवा है, सिख में रंजीत सिंह है, जाट में चूड़ामन और बदन सिंह है, रुहेला में बंगस पठान है। तो ये क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है, मुगल कमजोर हो रहे हैं, और इसी से मौका मिल रहा है अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की। क्षेत्रीय शक्तियों के उदय कारण कोई पावरफुल नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, सब मिलकर रहता तो अंग्रेज कभी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं कर पाता। लेकिन क्या हुआ? ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद शाह ने किसे आसफ जाह की उपाधि दी? इस पर चर्चा हो चुकी है, फटाफट अपना जवाब दीजिए। तो मोहम्मद शाह ने, टू होम डिड मोहम्मद शाह बेस्टो द टाइटल ऑफ आसफ जाह? ऑप्शन ए में सैयद बंधु, ऑप्शन बी में निजामुल मुल्क, ऑप्शन डी में सफदरजंग, और डी में अहमद शाह अब्दाली। तो आपका जवाब क्या है? तो ज्यादातर जवाब बी आ रहा है, प्रभास यादव बी, अंकिता कुमारी बी, ज्यादातर जवाब आ रहा है वो बी आ रहा है। चलिए ठीक है, तो बी जवाब आ रहा है ज्यादातर। तो आप यहां देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है, मोहम्मद शाह ने किसे आसफ जाह की उपाधि दी? अभी तुरंत मैंने बताया था हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। जो एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, यही एक फायदा है कि पहले कुछ पॉइंट्स आ जाता है, फिर उसी पर क्वेश्चन आ जाता है, उसका रिवीजन अच्छा होता है। मैं बार बार बोलता हूं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ज्यादा स्टडी कीजिएगा ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो इस पर कुछ लोग बोलते हैं नो स्टडी नो कंफ्यूजन, नहीं, लेकिन नो स्टडी नो कंफ्यूजन नो सिलेक्शन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन बट मोर रिवीजन लेस कंफ्यूजन देन सिलेक्शन। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। तो ऑप्शन यहां क्या हो जाएगा? आसफ जाह की उपाधि। तो आसफ जी की उपाधि देखिएगा, सैयद बंधु जो थे, सैयद भाई जो थे, इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दो लोग हैं, सफदरजंग सादत खां के बाद है, इसको नवाब वजीर की भी उपाधि दी गई थी। निजामुल मुल्क, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था निजामुल मुल्क ने। अब थोड़ा याद रखिएगा, मैंने बताया था उत्तरकालीन मुगल, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो, मतलब अभी ये तीसरा सेशन हम लोग का चल रहा है, जो दूसरा सेशन था, दूसरे सेशन में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा उसको जरूर देखिएगा कि मोहम्मद शाह जो शासन प्राप्त किया था वो सैयद बंधुओं की मदद से, लेकिन सैयद बंधुओं का अंत करके उसने क्या किया, अपनी शक्ति को मजबूत किया, यानी सैयद बंधुओं का अंत किया निजामुल मुल्क ने। तो निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं का अंत किया, ऐसे में जब सैयद बंधु कमजोर पड़ गए की मृत्यु हो गई तो निजामुल मुल्क पावरफुल हो गया। तो ऐसे में मोहम्मद शाह को लगा कि ये भी तो वही है, दरबारी ही है, तो ये इस पर विश्वास नहीं करता था, जिससे ये क्या हुआ, निराश होकर के, जिससे ये दुखी होकर के दक्षिण चला गया। और दक्षिण में इसने क्या किया कि हैदराबाद राज्य में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, हैदराबाद क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? निजामुल मुल्क ने। और इसी को बोला जाता है निष्ठा का पलायन। एक निष्ठावान व्यक्ति था, एक राजभक्त था, जो दक्षिण चला गया, और इसने क्या किया, मोहम्मद शाह ने क्या किया, मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1719 से 48 है, तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, विरोध नहीं किया। ये जब स्वतंत्र शासन की स्थापना की तो बोला ठीक है, अच्छा है, दक्षिण में रहेगा, हम बचे रहेंगे। इसने इसको आसफ जाह की उपाधि दे दी। तो आसफ जाह की उपाधि निजामुल मुल्क को किसने दिया? मोहम्मद शाह ने दिया। एक और क्वेश्चन यहां याद रखिएगा, निजामुल मुल्क का मूल नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था? आप लोग जवाब दीजिए, निजामुल मुल्क का ओरिजिनल नाम क्या था, मूल नाम क्या था? अभी तुरंत बताया है, कौन जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, निजामुल मुल्क का मूल नाम क्या है, निजामुल मुल्क का मूल नाम। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी 1724 में, 1722 में यह दरबार छोड़ के चला गया था, और इसका दक्षिण जाना इसका निष्ठा का पलायन कहते हैं। चलिए एक जवाब आ रहा है, प्रीति जयसवाल, चीन क्लिच, ठीक है, चीन क्लिच खां, सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। डीएम सिंह राठौर, ठीक है, मनीषा सिंह, चीन क्लिच खां सही जवाब है। निजामुल मुल्क का मूल नाम था चीन क्लिच खां निजामुल मुल्क का मूल नाम था।
मूल नाम था चीन क्लिश खान, इसको आसफ जाह की उपाधि किसने दी, इसको आसफ जाह की उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, पांच का आंसर हो जाएगा बी निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां के बाद कौन नवाब बना? तो अब बात बंगाल की हो गई। बंगाल में याद रखिएगा, बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खां ने किया, मुर्शिद कुली खां ने किया, मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। और मुर्शिद कुली खां पहले बंगाल का नवाब, बंगाल का दीवान था, दीवान के पद पर नियुक्त हुआ था, राजस्व मामला देखता था, बाद में इसने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। ये ऑप्शन है अलीवर्दी खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन, सादतुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं। हु बिकेम द नवाब आफ्टर मुर्शिद कुली खां? याद रखिएगा, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां के बाद है सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद है सरफराज खां, सरफराज खां के बाद है अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद है सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां के बाद है सिराजुद्दौला। आप लोगों की क्लास सुबह में, हिस्ट्री वाली क्लास सुबह में ट्रांसफर होगी, 8 बजे से होने की संभावना रहेगी। आप लोग बस ध्यान देते रहिएगा, इस सेशन को हम लोग बनाए रखेंगे। और ये सेशन में चूंकि शाम में करंट अफेयर बिहार स्पेशल रहता है और साइंस भी स्टार्ट हो गया, तो मे बी कि हमारा जो हिस्ट्री का सेशन है सुबह 8 बजे में यह होगी। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना, और यही याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से छूटना नहीं चाहिए। चलिए, तो बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां है, बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां है, जो 1717 से 1727 तक है, 27 तक, हालांकि 1719 से यह स्वतंत्र शासन करने लगा, 1727 से 1739 तक है सुजाउद्दीन। सरफराज खां 1739 से 40, इसको ध्यान में रखिएगा, 1740 से 1756 तक है अलीवर्दी खां, और 1756 में कौन आ जाता है? तो 1756 में आता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, जिसको कि सिराजुद्दौला, जिसको 1757 में पलासी के युद्ध में पराजित करके और ब्रिटिश शासन की स्थापना की थी ब्रिटिश, रॉबर्ट क्लाइव ने 1756-57। तो एकदम दिमाग में रखना है। तो सही आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? सी, अब तो सी आंसर आ रहा है। चलिए, तो देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां के बाद कौन नवाब बना? अलीवर्दी खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन और सादतुल्ला खां। तो अब तो सबके दिमाग में बैठ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए, बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां है, उसके बाद सुजाउद्दीन है, फिर सरफराज खां है, फिर अलीवर्दी खां है, सिराजुद्दौला है। ये बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आगे क्वेश्चन इससे भी आने वाला है, तो ध्यान में रखेंगे। 1727 तक मुर्शिद कुली खां, 27 से 39 तक सुजाउद्दीन, सरफराज खां 1739-40, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, और सिराजुद्दौला 1756-57। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन जो था मुर्शिद कुली खां के बाद नवाब बना, इसके बाद बना सरफराज खां, सरफराज खां के बाद बना अलीवर्दी खां, इसके बाद सिराजुद्दौला। सादतुल्लाह खां कर्नाटक से संबंधित है, यहां संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सात है, अवध में किस नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था? तो नवाब वजीर किसे कहा जाता था, अवध के किस नवाब को, इस पे भी चर्चा हो चुकी है, उत्तरकालीन मुगल में भी मैं पढ़ा चुका हूं। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? सादत खां ने की। सादत खां के बाद कौन आता है? सफदरजंग आता है, और सफदरजंग के बाद आप देखेंगे बाद में जो 1857 का विद्रोह होता है, तो उस समय भी वहां का जो नवाब है वो, उसके संदर्भ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या है? आंसर है अवध के किस नवाब को नवाब वजीर की उपाधि दी गई है? सादत खां। सादत खां को बुरहानुल मुल्क भी बोलते हैं, सादत खां को बुरहानुल मुल्क भी बोला जाता है। और इसके बाद सफदरजंग, सफदरजंग जब नवाब बना तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक अहमद शाह था, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बनता है, और उसने क्या किया, सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। चूंकि ये नवाब भी है, वजीर भी हुआ, इसलिए इसको नवाब वजीर भी कहते हैं। तो अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां ने किया, इसका उत्तराधिकारी था सफदरजंग, सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सवाई राजा जयसिंह द्वारा। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्षेत्रीय शक्तियों का जो उदय हो रहा था, तो यहां इस क्षेत्र में राजपूत भी सक्रिय थे, और इन राजपूतों में याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, मुगलों का पतन, आधुनिक भारत कहां से वास्तविक शुरुआत होती है? ब्रिटिश शासन की स्थापना से।
लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। मुगलों का पतन हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और क्षेत्रीय शक्तियों को हटाकर अंग्रेज स्थापित हुए, तो यही ब्रिटिश शासन की स्थापना, आधुनिक भारत की वास्तविक शुरुआत जो देखा जाए तो वो होता है ब्रिटिश विचारधारा भारत में स्थापित हो गई, पश्चिमी विचारधारा स्थापित हो गई, पश्चिमी ने आधुनिक विचारधारा का भारत में आगमन होता है। चलिए, तो इसमें बहुत सारे क्षेत्रीय शक्ति, बंगाल है, मुर्शिद कुली खां, अवध है, सादत खां, हैदराबाद है, निजामुल मुल्क, मैसूर है, हैदर अली और टीपू सुल्तान, केरल में मार्तंड वर्मा है, कर्नाटक में सादतुल्ला खां है, मराठा में पेशवा है, पेशवा में पेशवा शक्ति, हम लोग मराठा और सिख को अलग से पढ़ेंगे इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मराठा शक्ति अलग रहेगा सिख शक्ति, क्योंकि जब अंग्रेजों का युद्ध हुआ था बंगाल को अंग्रेजों ने जीता तो उसके बाद देखिएगा कर्नाटक में तीन युद्ध हुआ, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कर्नाटक में तीन युद्ध हुआ कर्नाटक और हैदराबाद के क्षेत्र को लेकर के। इसी तरह से आप देखेंगे कि मराठा के साथ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तो इन सब युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किस स्थान पर स्थापना, किस स्थान पर वेधशाला, वेधशाला ऑब्जर्वेटरी याद रखिएगा, किस स्थान पर इन विच प्लेस ऑब्जर्वेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सवाई राजा जयसिंह। ऑप्शन है उज्जैन, बनारस, मथुरा, जयपुर। तो याद रखेंगे सवाई राजा जयसिंह राजपूत, उत्तर मुगल काल में राजपूतों के उदय के अंतर्गत यानी राजपूत शक्ति के अंतर्गत जो नेतृत्व कर रहे थे वो सवाई राजा जयसिंह कर रहे थे। आधुनिक भारत में राजपूत शासक है जयसिंह, इसी के समय में जयपुर शहर जो है वो आधुनिक तरीके से बसाया गया था। तो इन्होंने एक वेधशाला खोला, खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए एक वेधशाला खोला था, इसने राजपूतों में दहेज प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया था। इन्होंने ही याद रखिएगा एक सारणी बनाया था जीज मोहम्मद शाही। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, आगे भी क्वेश्चन एक आएगा, अभी याद रखिएगा। इन्होंने ऑब्जर्वेटरी, यही आप लोगों को याद है जंतर मंतर जो दिल्ली में है ना, वो भी एक वेधशाला है, और यही जयपुर में भी है, और ऐसा ही वेधशाला उज्जैन में था, बनारस में था, मथुरा में था, यानी कि उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर। ऑप्शन क्या दे रहे हैं आप लोग, कहां, जयपुर, नहीं नहीं ये डी आंसर, ज्यादातर लोग डी आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर है। यहां है कि किस स्थान पर वेधशाला की स्थापना नहीं की गई थी, नहीं की गई थी, अगर पुस्तक कहां की गई थी तो भी, नहीं की गई थी तो भी आंसर ई होगा, ई। तो सारे लोगों का जो आंसर है इससे पहले अभी आप दे रहे हैं, जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तब ई आंसर दे रहे हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा। याद रखेंगे पांच जगह पर वेधशाला स्थापित हुआ, उज्जैन, बनारस, मथुरा, जयपुर और दिल्ली में पांच जगह पर वेधशाला की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, पहले हो चुका है, क्वेश्चन क्या था नादिर शाह को, तो नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया, इस युद्ध को करनाल का युद्ध कहते हैं, करनाल का युद्ध कहते हैं, करनाल का युद्ध कहते हैं। तो आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं, फटाफट देख लिया जाए, तो राकेश कुमार भारती ए, और ओपी गेमर क्या ना, चलिए ए, कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, प्रभास यादव बी, रविंद्र यादव बी, चलिए चिंटू बी आंसर बहुत लोग दे रहे हैं। तो इस पर याद रखिएगा नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किसने किया था, ज्यादातर जवाब आप लोगों का बी आ रहा है, सही आंसर है सादत खान ने दिया था। यही भेद जब खुल गया था, सादत खान ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था, और इसके बाद सफदरजंग नवाब बना था, अवध का नवाब बना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुगल दरबार छोड़ना निष्ठा और राजभक्ति का पलायन है, एस्केप ऑफ लॉयलिटी और रॉयलिटी, किस कौन जो मुगल दरबार को छोड़ दिया, यह भी क्वेश्चन बता दिया, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, सादत खां, सफदरजंग, निजामुल मुल्क। तो किसने दिल्ली दरबार को छोड़ा और इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं एस्केप ऑफ लॉयलिटी, निष्ठा का, राजभक्ति का पलायन। तो आंसर दे रहे हैं बी, डी, 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 निजामुल मुल्क डी। चलिए सही जवाब यही है, सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है डी है, निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क को, निजामुल मुल्क ने जब दिल्ली छोड़ा और जाकर हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो इसे निष्ठा या राजभक्ति का पलायन कहते हैं। तो निष्ठा या राजभक्ति का पलायन कहा जाता है निजामुल मुल्क का दिल्ली छोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसकी नवाबी सबसे कम समय की थी? यह भी मैंने बता दिया है, यह फटाफट आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए, इसका जवाब फटाफट आना चाहिए, जल्दी जल्दी दीजिए। तो यहां यह बात हम लोग कहां की कर रहे हैं, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां। तो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, इस पर चर्चा हो चुकी है। 1717 से 1727, कहीं कहीं देखिए, यहां पर देखिए 1719 में हालांकि इसने स्वतंत्र शासन करना शुरू किया, ये पहले से दीवान था, 1713 में ही इसको सूबेदार दीवान नियुक्त किया गया था, बाद में ये सूबेदार बन गया और स्वतंत्र शासन करने लगा 1719 से 1727 तक मुर्शिद कुली खां है। 1727 से 1739 है कौन? सुजाउद्दीन। तो जवाब क्या दे रहे हैं ज्यादातर, सी या डी? डी डी, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग। 1739-40 में सरफराज खां और 1740 से 56, अब बताइए, अब तो सब आंसर सही कर दे रहे होंगे, आंसर क्या हो जाएगा? अभी भी डी दे रहे हैं, राधा कुमारी, मनीषा सिंह, ये डी कैसे दे रहे हैं? अब तो आंसर देख लीजिए, आंसर सी हो गया, तो सी हो गया, सरफराज खां का समय सबसे कम है। सरफराज खां के जो चाचा थे अलीवर्दी खां, इसने क्या क्या देखा कि ये योग्य व्यक्ति नहीं है, तो इससे शासन ले लिया, शासन प्राप्त कर लिया। अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था। इसके बाद बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना पढ़ेंगे तो यहां फिर पढ़ेंगे, इसको हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन के क्रम में जब उत्तरकालीन मुगल पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने कुछ कुछ इसके बारे में बताया था, तो उसी से रिलेटेड, तो मोर रिवीजन, मैं बार बार बोलता हूं, मोर रिवीजन लेस कंफ्यूजन देन सेलेक्शन, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए फटाफट, और आगे के लिए, अगले सेशन के लिए आप लोग यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, यानी कि वो जो चार शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा सरफराज खान। चलिए अगले क्वेश्चन पाइए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सवाई राजा जयसिंह द्वारा नहीं किया गया था? चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किसका कौन सा कार्य नहीं किया गया था? खगोल शास्त्र के अध्ययन हेतु सारणी का निर्माण, यूक्लिड के ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद, राजपूतों में दहेज प्रथा के नियंत्रण का प्रयास, जीज मोहम्मद शाही, सारणी का निर्माण। तो देखिए, मैंने बताया था क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत राजपूत शासक कौन था, तो राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह था, सवाई राजा जयसिंह था, याद रखिएगा, सवाई राजा जयसिंह। इसने क्या किया था, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, गणितज्ञ था, समाज सुधारक था, तो इसने क्या किया, यूक्लिड के ग्रंथ का अनुवाद किया, और इसने खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक सारणी बनाई, इसको नाम दिया, चूंकि मोहम्मद शाह का काल था तो जीज मोहम्मद शाही नाम से यह टेबल बनाया, सारणी बनाया, और इसने राजपूतों में दहेज प्रथा के अंत का भी प्रयास किया, तो ये सारा कार्य इसके द्वारा किया गया, इसीलिए आंसर, आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, डी ई ई ई सही आंसर है, तो सही आंसर आप लोग का ई है, चलिए तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ई, कि एक से अधिक, एक से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाई राजा जयसिंह से, और एक पॉइंट जो पहले बता दिया था फटाफट, कितने जगह पर वेदशाला बनवाया था सवाई राजा जयसिंह ने, कितने जगह पर वेदशाला बनाया था, कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए, कितने जगहों पर सवाई राजा जयसिंह ने वेदशाला बनाया था, ऑब्जर्वेटरी बनाया था? तो पांच, मोहम्मद अख्तर, अभिजीत कुमार, ठीक है, सही जवाब है, पांच जगहों पर किया था, तो पांच जगहों पर किया था, और पांच जगह कौन कौन था, दिल्ली, जयपुर आप लोग को याद है, मथुरा, उज्जैन, बनारस, ये तीन और याद कर लीजिएगा। चलिए फटाफट तुरंत कर ले रहे हम लोग, 21 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन हो गया, अब 13वें क्वेश्चन पर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन मैसूर में वाडियार वंश का शासक था? एक चीज याद रखिएगा, मैसूर में वाडियार वंश का शासन था, जिसके शासन का अंत करके और क्या किया था, हैदर अली ने मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कर रहे, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सादत खां, कर्नाटक में सादतुल्ला खां, और हैदराबाद में निजामुल मुल्क, तो इसी समय मैसूर में हैदर अली है। लेकिन याद रखिएगा, हैदर अली ने क्या किया, देवराज और नंजराज के शक्ति को कमजोर किया, क्योंकि ये देवराज और नंजराज चला रहा था शासन चला रहा था कौन, राजा चिक्का कृष्णराज, तो राजा चिक्का कृष्णराज का अंत करने के लिए देवराज और नंजराज का अंत किया, और तब हैदर अली ने शासन प्राप्त किया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मैसूर में वाडियार वंश का शासक था, तो वाडियार वंश का शासक, जवाब दीजिए। तो जवाब में आ रहा है, कुछ लोग ई आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं, चिक्का कृष्णराज, पांच प्लेस, ठीक है,
पांच प्लेस में किया था। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश का था, जिसका अंत करके हैदर अली ने मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो टीपू सुल्तान हुआ, टीपू सुल्तान हुआ। वो आगे हम लोग उसके जब आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध करेंगे तो फिर से मैसूर को देखेंगे, फिर से मराठा को देखेंगे। ये पढ़े रहिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसका पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों का, मिशन 50 आईएस, मिशन आईएस, और जो रंजीत सर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइए, पीडीएफ वहीं पर मिलेगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हैदर अली ने कहां आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, याद रखिएगा हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। चलिए ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये पॉपुलर क्वेश्चन जो है आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन है त्रावणकोर, डिंडीगुल, मालाबार और कोचीन। तो फटाफट आंसर दीजिए आंसर। कुछ लोग दे रहे रंजन कुमार डी, लेकिन बी बी ज्यादातर आंसर बी आ रहा है, और कुछ लोग डी आंसर भी कर रहे हैं। तो याद रखेंगे यहाँ हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में किया था, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में किया था। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एकदम रट जाइए। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था, हैदर अली ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है केरल में चार राज्य कौन सा, चार केरल के चार राज्य में कौन सा शामिल नहीं है, याद रखिएगा केरल में चार राज्य था, कौन कौन चार राज्य था। चलिए पहले आप लोग से देखता हूं कि आप लोग इसका आंसर जवाब आंसर दे पाते हैं कि नहीं। केरल जब जब स्वतंत्र स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था, तो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत केरल में भी एक मार्तंड वर्मा था, जो कि कहां का था, त्रावणकोर का राजा था मार्तंड वर्मा। उसके बाद राम वर्मा बहुत ही लेखक लेखक था, कवि था, और राम वर्मा के समय में ही मलयालम भाषा का विकास काफी तेजी से हुआ था। तो याद रखिएगा, तो त्रावणकोर तो है, अब बाकी में कौन सा शामिल नहीं है ये बताइए, तो आंसर बताइए। तो ज्यादातर सी सी बी बी दे रहे हैं, श्वेता रानी ए, तो नहीं नहीं ए। तो याद रखिएगा कालीकट एक था, दूसरा था कोचीन, तीसरा था त्रावणकोर, चौथा चंद्रनगर नहीं था, याद रखेंगे। चौथा कौन था, तो चिरक्कल, चौथा था चिरक्कल। तो केरल में चार राज्य थे, इसमें त्रावणकोर सबसे पावरफुल हुआ था, और कालीकट आप लोग देखेंगे कालीकट में जमोरिन का शासन था, जिस समय की कौन आता है, वास्को डिगामा भारत आता है कालीकट में। तो वो हम लोग आगे देखेंगे, जो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हम लोग को पढ़ना है अगला सेक्शन, तो उसके लिए ध्यान में रखेंगे। चलिए तो सही जवाब क्या हो गया, चंद्रनगर। चंद्रनगर याद रखिएगा, चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती थी। चंद्रनगर कहां था, बंगाल में था, बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रनगर था, जहां फ्रांसीसी बस्ती थी, और यह बाद में फ्रांस सरकार ने भारत सरकार को सौंप दिया 1956 में, 1956 में। चलिए तो अगला हम देखते हैं, 54 में ही सौंपा था और उसको 56 में उसको मिला लिया गया। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सिख राज्य की स्थापना हेतु समुदाय समुदाय के सरदारों ने किस स्थान पर इकट्ठा होकर देव तेग और फतेह का नारा दिया और चांदी का सिक्का चलाया, याद रखिएगा। एट विच प्लेस डिड द चीफटेंस ऑफ द कम्युनिटी गैदर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिख स्टेट, आई गेव द स्लोगन ऑफ देग तेग एंड फतेह। फटाफट जवाब दीजिए कि देग तेग फतेह का नारा 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा 1764 ईस्वी में सिख समुदाय के जो सरदार थे वो इकट्ठा हुए। सिख राज्य अलग से पढ़ना है, और उसी में आंग्ल सिख युद्ध भी पढ़ना है, और सिख राज्य में रंजीत सिंह के समय तक कभी अंग्रेज सिखों को टच नहीं कर पाए, लेकिन रंजीत सिंह से पहले 12 मिसल होते थे, सुकरचकिया मिसल से रंजीत सिंह थे। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब सिख राज्य को करना है, अभी याद रखिएगा। तो सिख सरदार आपस में मिलकर के 1764 में एक जगह पर इकट्ठा हुए, ऑप्शन है पंजाब, अमृतसर, लाहौर, पटियाला। तो सही जवाब क्या है, तो इसमें दे रहे हैं कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, श्वेता सिंह, स्वीटी बी, प्रीति भोला ए, तो इस तरह से आंसर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, पंजाब में इकट्ठा हुए थे। रंजीत सिंह ने क्या किया था, पंजाब और अमृतसर को मिला दिया था, अमृतसर में जो था सुकरचकिया मिसल था, तो सुकरचकिया मिसल में जब रंजीत सिंह का उदय होता, तो रंजीत सिंह ने जो पंजाब में सिख राज्य था इसको मिला लिया, और इसकी राजधानी लाहौर को बनाया था। ये आगे हम लोग को पढ़ना है, फिलहाल याद रखिएगा पंजाब में इकट्ठा हुआ और देख देख फतेह का नारा दिया 1764 में, और चांदी का सिक्का चलाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जाट जाति का प्लोटो किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया था
जाट में बताया था ना क्षत्रिय शक्तियों का उदय, तो क्षत्रिय शक्तियों के उदय में जाट भी एक थे। जाट कहां है तो ये याद रखिएगा, ये सही डायरेक्शन नहीं है। जाट का जो क्षेत्र था ना, जाट का क्षेत्र, तो याद रखिएगा जाट का क्षेत्र इधर भी है। जाट का क्षेत्र कहां है तो जाट का क्षेत्र जो है वह राजस्थान है, दिल्ली है, यूपी का भी क्षेत्र है, वो सब जाट जाति के अंतर्गत आता है। और चूड़ामन और बदन सिंह चूड़ामन और बदन सिंह इसके संस्थापक माने जाते हैं। बाद में सूरजमल हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, जाट जाति का प्लेटो किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा चूड़ामन और बदन सिंह ने जाट राज्य की स्थापना की, और कहां पर किया? भरतपुर, राजस्थान का जो क्षेत्र है भरतपुर क्षेत्र में। और इन्होंने अपने प्रभाव में दिल्ली और यूपी का क्षेत्र भी ले लिया था। तो राजस्थान क्षेत्र में जो भरतपुर है ये इनकी राजधानी थी। तो यहां पर चूड़ामन और बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि भी दी थी। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली ने, क्या जवाब आप लोग दे रहे हैं? तो कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, ए बी आंसर दे रहे हैं, ये ए बी कैसे आंसर होगा, कुछ लोग ई आंसर दे रहे हैं, नहीं गलत जवाब है। याद रखिएगा इसके बाद आता है सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहते हैं। प्लेटो को हिंदी में बोला जाता है अफलातून। जाट जाति का अफलातून या प्लेटो किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया। यही सब पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, और यही सबसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। बदन सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अहमद शाह अब्दाली ने दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि करंट के लिए भी हम लोग लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा और फटाफट कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? चलिए ये जवाब दीजिए, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बंदस पठान रुहेलखंड, जाट राज्य अमृतसर, सिख राज्य मैसूर, वाडियार वंश भरतपुर। फटाफट जवाब दीजिए, कौन सही सुमेलित है? तो पूजा कुमारी ए, अखिलेश स्वामी सी, मोहम्मद अख्तर ए, सावन कुमार ए, निकिता कुमारी 18 का ए, सावन कुमार ए। चलिए ज्यादातर जवाब आ रहा है ए, कुछ लोग सी दे रहे हैं, गलत आंसर है। तो याद रखिएगा इसको थोड़ा सा रट जाइए। मैसूर में कौन है? तो मैसूर में सिख राज्य कहां? पंजाब में है। सिख राज्य कहां? पंजाब में है। मैसूर तो वो हैदर अली वाला है। वाडियार वंश है मैसूर, इसको रट जाइए। वाडियार वंश मैसूर, सिख राज्य अमृतसर पंजाब, और जाट राज्य भरतपुर, और बंगस पठान कहां है? रुहेलखंड में। तो सही जवाब क्या होगा? बंगस पठान। ठीक है, ए सही जवाब होगा बिल्कुल, ए भी दिख रही है। चलिए ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, बंगस पठान। चलिए अगले क्वेश्चन में, मात्र 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 19 में, ब्रिटिश शासन की स्थापना मुख्यतः किस क्षत्रिय शक्ति के पतन से हुआ? अब ये जवाब देखते हैं कि कौन सही उत्तर देता है। किस क्षेत्रीय शक्ति के पतन से ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई है? कई बार चर्चा मैंने कर दिया, कर्नाटक है, अवध है, हैदराबाद है, विजयनगर। एग्जैक्ट एक आंसर है इसमें से, ई आंसर नहीं है, पहले मैं हिंट कर दे रहा हूं, किस एक के पतन से? अच्छा ये एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन को देख करके देखिए, यहां है कि कर्नाटक, अवध, हैदराबाद, विजयनगर। नहीं, इन चार में से कौन एक अगर नहीं होगा, कोई एक नहीं होगा, तब ई आंसर होगा। तो इसको देख के बताइए, सही आंसर बताइए इसका सही आंसर। हाँ वो गड़बड़ मैंने बोल दिया था, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्यतया मतलब किसका पतन हुआ, यानी ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, घुमा रहा है, ई भी हो सकता है, आप देख लीजिए पहले, इसके बाद मैं बताता हूं। इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई? 1757 में हुई। किस युद्ध के बाद? पलासी के युद्ध के बाद। और इससे समझ में आ गया कि भारतीय, आप लोगों को पता है पलासी का युद्ध देखिएगा तो एक ड्रामा टाइप का है, जहां एक षड्यंत्र हुआ, 2 घंटे में युद्ध खत्म हो गया, यानी अंग्रेज समझ गए कि भारतीयों को हराया जा सकता है। तो वही मेन शक्ति है, और मेन शक्ति कौन थी? बंगाल थी। हाँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, कि बंगाल के पतन के साथ, क्षत्रिय शक्ति के पतन के साथ। वो इसीलिए मैंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मैंने कहा था कि ई नहीं होगा, ई होगा इसका आंसर, क्योंकि पलासी के युद्ध के बाद क्षत्रिय शक्ति का पतन शुरू हो गया। क्षत्रिय शक्ति का पतन शुरू होता है पलासी के युद्ध के बाद से। चलिए ठीक है, तो ई आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस नवाब का उत्तराधिकारी था? ये तो बच्चा वाला प्रश्न है, ये सब जवाब देंगे। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका
कि सिराजुद्दौला किस नवाब का उत्तराधिकारी था, किस नवाब का उत्तराधिकारी था? चलिए तो सही जवाब बताइए, इसका है मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, सब सही आंसर दे देंगे। अरे ये कैसे, ये कैसे आंसर दे रहे हैं, ये गलत आंसर है। चलिए हाँ, ज्यादातर आंसर डी आ रहा है, सही बात है। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, इसको अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, तीन बेटी थी, सबसे छोटी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद अभी करेंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होगी, रजनीश सर अभी आ रहे हैं आप लोगों को करेंट अफेयर्स बताने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट जो है, अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए अच्छा देखिए, गलती से ये ऑफ हो गया था, तो फटाफट इसको एक बार कर लेते हैं हम लोग, फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरकालीन क्षेत्रीय शक्तियों में शामिल नहीं है? तो कर्नाटक, अवध, हैदराबाद, विजयनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। याद रखेंगे कि विजयनगर जो है, विजयनगर, ये क्या हो रहा है, देखिए टेक्निकल फॉल्ट आ जा रहा है, टेक्निकल गड़बड़ी आ जा रही है। चलिए चलते हैं सीधे हम लोग, चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बाद 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन। सिराजुद्दौला के काल में काल कोठरी की घटना का वर्णन कौन करता है? अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए, और इसमें दो तीन पॉइंट मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं मिलता नहीं है, ये इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से ही आपका क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के काल में काल कोठरी की घटना हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजडी हुई थी इन द टाइम पीरियड ऑफ सिराजुद्दौला, और इसको एक्सप्लेन किसने किया? चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन है सैयद गुलाम हुसैन, कैप्टन रीड, हॉलवेल और रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन इसका जवाब, चलिए मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे हैं, अंजू कुमारी या फिर इंजीनियर, चलिए हाँ मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे हैं, सी जवाब दे रहे हैं। चलिए आपका जवाब सही है कि सी होगा, हॉलवेल ने दिया था काल कोठरी की घटना का वर्णन। लेकिन यहाँ जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, जो कहीं मैक्सिमम किताबों में नहीं मिलता है, वो सैयद गुलाम हुसैन के बारे में। सैयद गुलाम हुसैन की एक पुस्तक है सियार उल मुतखैरीन, एक पुस्तक है जो लिखा था गुलाम हुसैन ने। ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। सियार उल मुतखैरीन का जो लेखक है गुलाम हुसैन है, और सियार उल मुतखैरीन में इस यह पुस्तक किसके काल की है? तो याद रखिएगा, सियार उल मुतखैरीन पुस्तक यह सिराजुद्दौला के काल की है, यानी समकालीन घटना है। लेकिन सियार उल मुतखैरीन में जो उस समय का इतिहास है, उसमें इस घटना की चर्चा नहीं है। लेकिन हॉलवेल ने कहा था कि काल कोठरी की घटना हुई, जो एक प्रकार से लगता है कि बनी बनाई बात भी है। देखिए ये बोलता क्या है कि मैं उस हॉल में वेल बचा था, मतलब कहने का अर्थ है कि सिराजुद्दौला ने ढेर सारे अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें बोला जाता है कि 146 आदमी में मात्र 23 आदमी जिंदा बचा था, 123 आदमी मारे गए थे, और उसमें बोलता है एक मैं भी था, हॉलवेल बोलता है कि मैं भी था। तो ये हॉलवेल इस घटना का वर्णन करता है, काल कोठरी की घटना का वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉलवेल। लेकिन आप लोग को याद रखना है, समकालीन इतिहास सियार उल मुतखैरीन में इस घटना का वर्णन नहीं किया गया है, जो सैयद गुलाम हुसैन ने किया है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अब करेंट अफेयर से लेकर के रजनीश सर आ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए, अभी जो ये क्लास एंड हो रही है और फिर से सर लाइव होंगे करेंट अफेयर्स के साथ, और करेंट अफेयर्स में लगातार सेशन चल रहा है। रजनीश सर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वो काबिले तारीफ है, और इससे लगातार बने रहिए, आपकी सफलता काफी आसान हो जाएगी।